हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त बच्चों? तो बेटा, हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अगले वीडियो पर आ गए हैं। ये सारे वीडियो बेटा अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप देखिए, बहुत सारे वीडियो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो बच्चों, वो सारे वीडियोस आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो बस लिख दीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल बाय HD मैथमेटिक्स, तो सारे वीडियो पूरी एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपको सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और भी बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट हैं, ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सीक्वेंस है, सीरीज है। तो ये सारे वीडियो जो भी आपको चाहिए बस लिख दीजिए, जैसे ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स तो आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स तो आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, टोपोलॉजी है, टेंसर है, बहुत सारे वीडियो बेटा मेरे चल रहे हैं। तो वो सारे देखिए और फ़ायदा उठाइए। अलग से मैं PGT मैथ्स के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उसमें PGT का मैं पूरा कोर्स 100 डेज में ख़त्म करूँगा। 11th 12th IIT लेवल से भी मैंने पूरा अलग से अपलोड किया हुआ है। तो मस्त हो जाइए और इन्जॉय करिए और ज्ञान के सागर में, ठीक है, गोते लगाइए, मैथमेटिक्स के समुद्र में डूब जाइए। डूब मत जाइए, मतलब गोते लगाइए, एंजॉय करिए। चलो बच्चों, तो हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अगले वीडियो पर बेटा आ गए। देखो बेटा, हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। तो कंपैरिजन टेस्ट कब लगाते हैं? जब वो फंक्शन सिंपली इंटीग्रेट नहीं होता है ना। ये सब पुराने वीडियोस बेटा पढ़ लीजिए जरूर से, क्योंकि उसके बिना चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। स्टार्टिंग से पढ़िए, फर्स्ट वीडियो से पढ़िए, सब मस्त समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। बस पहले वीडियो से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, नोट्स बनाइए जरूर, नोट्स बना बना के पढ़िए, ठीक है बच्चों। देखो, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -x और sin x/x dx। मान लीजिए इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, 0 to ∞ e की पावर -x sin x/x, इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। देखो, एक इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया करो, क्या वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा? ऐसे ये फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, कोई भी रूल लगा लीजिए, ये फंक्शन आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है तो उसको हम काफ़ी आसानी से उसका कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। पुराने वीडियोज में मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए हैं इसका, ठीक। दूसरी बात देखिए, किस काइंड का है, क्या ये फर्स्ट काइंड का है? देखो, जैसे लिमिट इन्फिनिटी है तो ये फर्स्ट काइंड का है, लेकिन ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे ये फंक्शन है ना fxe की पावर -x sin x/y, ऐसे कि मान लो x = 0 पर इसको हम देखें, तो मैंने क्या बताया था कि एंड पॉइंट पर लिमिट निकाली जाती है ना। एंड पॉइंट पर लिमिट निकालो तो क्या होगा, sin x by x की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पर 1 होती है, और e की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। एंड पॉइंट पर लिमिट देखते हैं और बीच के पॉइंट्स पर वैल्यू देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं इन्फिनिटी ले लूं, अगर मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालूं तो e की पावर -x sin x/x, देखो ध्यान दो, ये क्या होगा, e की पावर -∞, क्या होगा, 1/e की पावर ∞। तो e की पावर इन्फिनिटी, e क्या है, 1 से बड़ा, मैंने बताया था 1 से बड़ा टर्म है, और पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये 1/∞ हो गया और इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि अगर ये e क्या है, e होता है 2.71 अप्रोक्सीमेट, है ना, e की वैल्यू क्या होती है 2.71, और पावर इन्फिनिटी है, मतलब 1 से बड़ा टर्म है और पावर इन्फिनिटी है, तो ऐसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म 0 हो गया। अच्छा, इन्फिनिटी पर इसकी जब आप लिमिट लेते हो तो कैसे लेते हो, याद है, sin x/x की लिमिट कैसे लेते हो इन्फिनिटी पर? देखो, ये क्या होगा, sin∞ और अपॉन, देखो ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, 1 तब होता है जब एक्सटेंडिंग टू 0 होता है, ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अच्छा, 1/∞ × sin∞, sin∞ की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में, भाई साइन की वैल्यू हमेशा ही -1 और +1 के बीच में होती है, तो ये टर्म क्या हो गया, -1 और +1 के बीच में, और आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और इस पॉइंट पर भी ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है,
और बीच के जितने भी पॉइंट लोगे सब पर भी ये फाइनाइट वैल्यू देगा, क्योंकि देखो इसको दिक्कत सिर्फ x बराबर 0 से हो सकती थी और उस पर भी इसकी वैल्यू 1 आ गई। बाकी किसी पॉइंट पर आप 0 से इन्फिनिटी तक जाओगे, किसी भी पॉइंट पर ये टर्म इनफाइनाइट नहीं होगा, यही हम चेक करते हैं, है ना भाई, किस काइंड का इंटीग्रल है इसको देखने के लिए। तो मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन इस इंटरवल में फाइनाइट है। और हाँ, ये लिमिट इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। ये चेक करना, ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर मेथड डिपेंड करते हैं। तो पहली बात देखी क्या कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा, दूसरी बात क्या देखी, ये फर्स्ट काइंड का है, तो इसमें अब हम कुछ मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट काइंड का जब इंटीग्रल हो तो सबसे अच्छा मेथड होता है कंपैरिजन टेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, कंपैरिजन टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा। अगर ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है तो हम ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं और आसानी से कर लेते हैं। ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे पिछले वीडियोस में कराए हुए हैं, उनको प्लीज जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब देखो जरा समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि फर्स्ट काइंड का है, हम इसमें लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू को किसी जी एक्स से हमें कम करना है। अच्छा, एक बार जरा और समझो, कंपैरिजन टेस्ट भी जो है बेटा वो a टू इंफिनिटी में लगता है, 0 टू इंफिनिटी में नहीं लगता है। कंपैरिजन टेस्ट किसके लिए होता है, a टू इंफिनिटी fx के लिए होता है, 0 टू इंफिनिटी के लिए नहीं होता है। तो ये सवाल 0 टू इंफिनिटी है, तो हम क्या करें, देखो इसको ब्रेक करें, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करें कैसे, 0 टू a e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस ए टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट ए टू इंफिनिटी में ही लगता है। बात समझे, देखो समझो ध्यान से, देखो ये वाला जो इंटीग्रल है ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है ही नहीं। क्यों, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, पूरी वैल्यू भी फाइनाइट, ये इंटीग्रल कैसा है बोलो, प्रॉपर है। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा ही क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा ही कन्वर्जेंट होता है। अब हमें इसको चेक करना है और इसमें हम ये मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी ए टू इंफिनिटी है। ए क्या होगा, ए कुछ पॉजिटिव ही होगा, ए जो वैल्यू होगी वो जीरो इन्फिनिटी के बीच में कुछ होगी, मतलब ए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। देखो अब क्या करें बच्चों, इसको चेक करना है तो क्या करते हैं, इसको एफ एक्स मान लो, है ना, इसको हम एफ एक्स मान लें, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर है, प्रॉपर हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बेटा बताई थी, प्रॉपर हमेशा कन्वर्जेंट होता है। इसको एफ एक्स माना तो क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, ध्यान रखना। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कहता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स को, मॉड ऑफ एफ एक्स को किसी वैल्यू से, किसी जी एक्स से कम लाना है, और जी एक्स का इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, है ना, मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स को किसी जी एक्स से कम करना है और जी एक्स का इंटीग्रल कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो फिर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। यही तो होता है ना कंपैरिजन टेस्ट, याद है आपको। देखो इसको हम ऐसे लिखें, सबका मॉड अलग अलग कर दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अच्छा e की पावर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, e की पावर माइनस एक्स हो या e की पावर x हो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना, ध्यान करना, तुमको मालूम होगी इतनी बात तो, समझे ना। देखो तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मॉड उसी के बराबर हो जाएगा,
और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देंगे, वन। तो देखो ये लेसर इक्वल टू कर दिया और नीचे क्या है, मॉड एक्स है ना। अच्छा ध्यान दो, यहां पर जो एक्स है ना वो ए टू इंफिनिटी है, इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही तो ये होती है ना, जो लिमिट होती है एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स ए टू इंफिनिटी तो एक्स भी पॉजिटिव है। तो अगर एक्स भी पॉजिटिव है तो इसका मॉड हटा करके खाली एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन ले ली, तो ये पूरी वैल्यू इससे कम हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे कम हो गई। अच्छा अब देखो, तो क्या हम इसको जी एक्स माने, अगर इसको जी एक्स मानेंगे तो ये भी तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, e की पावर x अपॉन x को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, e की पावर x अपॉन x को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, करके देखिए है ना, करके देखिए नहीं होगा इंटीग्रेट, ठीक। चलो खैर देखो ध्यान दो, तो इसको जी एक्स नहीं मान सकते, फिर दिमाग लगाएं, देखो क्या करें, x क्या है, x एक्चुअली है a टू इंफिनिटी, x क्या है, a टू इंफिनिटी मतलब x a से बड़ा है, तो 1 बाई a क्या होगा, ये 1 बाई x से छोटा हो जाएगा, है ना, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज, रेसिप्रोकल किया ना, इन दोनों को रेसिप्रोकल किया, इसको छोड़ दो, है ना, x greater than a है, तो 1 बाई a greater equal to 1 बाई x, इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चीजें, जब दोनों तरफ पॉजिटिव चीजें होती हैं और आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। हाँ अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो देखो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वेशन चेंज होती है। छोटी मोटी बातें दिमाग में रखो, ऐसे ही इनइक्वेशन में कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते, हमेशा सोचते हैं। तो x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, x क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि x a और इन्फिनिटी के बीच है और a तो पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी को चेंज किया। मतलब देखो कहने का ये है कि 1 बाई x जो है वो 1 बाई a से छोटा है, तो हम क्या करें, इस 1 बाई x को लिख दें लेसर इक्वल टू e की पावर x बाई a, तो 1 बाई x की जगह मैंने 1 बाई a को लिख दिया। तो अब हम इसको जी एक्स मान सकते हैं, तो ये हमारा जी एक्स हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब देखो जी एक्स को ए टू इंफिनिटी में इंटीग्रेट करूं, क्योंकि हमें जी एक्स का भी तो कन्वर्जेंस देखना होगा, जब जी एक्स कन्वर्ज होगा तभी एफ एक्स कन्वर्जेंट होगा, है ना, तो हमें सेम लिमिट में जी एक्स का भी कन्वर्जेंस देखना होगा, है ना, सेम लिमिट में है। ओह हो, ये e की पावर माइनस एक्स है, यहां माइनस एक्स करो, यहां भी माइनस एक्स करो, ठीक है। तो अब हम देखो इसमें जी एक्स का कन्वर्जेंस देख रहे हैं। अब देखो फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ऐसा करो इसको लिख दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और इंटीग्रल a टू x e की पावर माइनस x अपॉन a और dx, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हुआ देखो, 1 बाई a को बाहर ले लो और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x और a टू x, ठीक है ना, बोलो माइनस को बाहर ले लो, क्या करें, कहां लिखें इसके बाद, कहां लिखें इसके बाद, इन सबको मिटा दें, कोई टेंशन तो नहीं, लिख लो पहले जल्दी से, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो हमारा काम ये था, मॉड एफ एक्स को जी एक्स से कम कर दिया, अब हम जी एक्स का इंटीग्रल देखेंगे। जी एक्स अगर कन्वर्जेंट आएगा तो फिर ये वाला इंटीग्रल, मतलब ये वाला इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एफ एक्स यहीं से तो आया ना, लेकिन जी एक्स को कन्वर्जेंस शो करना होगा पहले, ध्यान रखना, लिखो फटाफट। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर रहते हैं दोनों प्यार, तो फिर भी है ना, बोलो है ना,
एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दूर दूर देखो, ये माइनस को बाहर ले लिया। अब एक्स की जगह पहले अपर लिमिट और माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। एक्स की जगह पर एक्स, फिर माइनस एक्स की जगह पर ई। देखो अब अगर हम एक्स को रखेंगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस ए। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, तो मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए अपॉन ए। मतलब देखो ये वैल्यू कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई। तो मतलब ये जो जी एक्स है ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रल फाइनाइट आ गया। बोलो, तो जब जी एक्स कन्वर्जेंट हो गया तो ये एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि एफ एक्स का मॉडुलस जी एक्स से छोटा है ना, एफ एक्स का मॉडुलस जी एक्स से छोटा है, तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो गया। एफ एक्स का मतलब ये इंटीग्रल भी कैसा हो गया, बोलो, कन्वर्जेंट हो गया। और ये तो कन्वर्जेंट था ही, क्योंकि ये तो प्रॉपर था, तो ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट। और जब दो इंटीग्रल अलग अलग कन्वर्जेंट तो उनका सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट। मतलब ये पूरा इंटीग्रल भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। बात समझे भाई, ये प्रॉपर है इसलिए कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट, तो दो अलग अलग कन्वर्जेंट तो उनका सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट। लिख लो इस बात को ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो फटाफट बेटा इस क्वेश्चन को कर लो, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सब, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से, फिर और भी एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आये रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों। अरे तुम लोग कुछ गाने वाने सुनते हो कि नहीं यार पुराने? अरे भाई ये कटी पतंग का गाना है, कटी पतंग किशोर कुमार का बहुत फेवरेट गाना है बेटा, हिट गाना है किशोर कुमार का, कटी पतंग पिक्चर है, कटी पतंग पिक्चर के सारे गाने अच्छे हैं, ठीक है, सुना करो थोड़े बहुत गाने, पुराने सुना करो यार, नए गानों में क्या रखा है, समझ में नहीं आता है कि शब्द क्या है, बोल क्या है। चलो खैर, हाँ देखो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, क्या है सवाल? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो ये e की पावर एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक, और दूसरी बात, ये 0 टू इंफिनिटी में इसकी वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। भाई x को रखोगे 0 तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, और x को रखोगे इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0 होती है ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। और बीच में भी किसी भी पॉइंट पर ये इन्फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि e की पावर x इन्फाइनाइट है ना, कब हो सकता है, जब x इन्फाइनाइट हो। तो यहाँ पर ये एक्चुअली x को रखोगे इन्फाइनाइट तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में फाइनाइट है, कहीं भी इनफाइनाइट नहीं है, खास तौर पे एंड पॉइंट पर थोड़ा चेक कर लिया करो। और ये लिमिट इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। तो सबसे पहले ये पहचाना हमने क्या, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इंटीग्रेशन भी इसका पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, कंपैरिजन टेस्ट पे जाना होगा। कंपैरिजन टेस्ट ए टू इन्फिनिटी में लगता है, तो पहले इसको ब्रेक करें, क्या 0 to a करें, 0 to a करें और a टू इन्फिनिटी करें, पहले हम इसको ब्रेक करें, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट a टू इन्फिनिटी में लगता है। देखो
ये इंटीग्रल क्या हो गया भाई, 0 टू इन्फिनिटी जाना है, 0 टू ए गए, ए टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, और वैल्यू भी हर जगह फाइनाइट, और प्रॉपर हो गया। प्रॉपर क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। इसको करने के लिए क्या करें, इसको करने के लिए, इसको अलग से करने के लिए देखो हम कंपैरिजन टेस्ट को लगाएंगे, है ना। इसको करने के लिए कंपैरिजन टेस्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई करें, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक। तो इसका मॉडुलस देखें किससे छोटा है, मॉड का मतलब मॉड ऑफ दिस। अच्छा, e की पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये मॉड हटा सकते हैं हम, खाली इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर x हो, है ना, चाहे e की पावर माइनस x हो। भाई देखो, अगर e की पावर x पॉजिटिव है तो e की पावर माइनस x भी क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि अगर e की पावर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और e की पावर x पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो उसका ग्राफ ऐसे चलता है, ये x को कुछ भी ले लो, देखो ग्राफ कैसा है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, है ना। x को आप जीरो लोगे, x को जीरो लोगे तो वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, पीछे जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी वैल्यू x एक्सिस के नीचे नहीं आएगी, मतलब कभी भी e की पावर x नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, x को इन्फिनिटी लोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो देखो वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जा रही है, हाँ, तभी तो ऐसा हो रहा है कि जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो कैसे, जैसे जैसे x पीछे आ रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस के नजदीक जा रहा है, मतलब जब x माइनस इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। ग्राफ x एक्सिस को टच करने का मतलब y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो का मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो, क्योंकि y बराबर ही तो ये फंक्शन है ना, ये किसका ग्राफ है, y बराबर जिसका, है ना। जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा फंक्शन ऑलमोस्ट जीरो पर जाएगा, जीरो पर जाने का मतलब वाई की वैल्यू जीरो, वाई जीरो मतलब ये जीरो, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा तो ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और जब एक्स इन्फिनिटी पर जाएगा तो ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। तो मतलब चूंकि, अच्छा है ये पॉजिटिव, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसलिए मॉड को हटा दिया, ऐसे मॉड नहीं हटाते हैं, सोच समझ कर हटाते हैं, मॉड इसलिए हटा दिया। अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों, इसको क्या मैं लेसर इक्वल टू एक्स इंटू दिस कर सकता हूं, क्योंकि देखो यहां पर एक्स क्या है, एक्स है ए से इंफिनिटी, एक्स कैसा है, पॉजिटिव, एक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो जब तुम इसे पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। देखो दिमाग लगाया, थोड़ा सा टफ है यहां पर मामला, लेकिन दिमाग लगाया। तो इसको जी एक्स कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो पॉसिबल है ना, इसीलिए, है ना। थोड़ा दिमाग लगाया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखो। तो अब हम इसका अगर इंटीग्रल चेक करें ए टू इंफिनिटी में, है ना, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा कैसे, एक्स स्क्वायर को टी मान के। तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको x लिख दो, तो a से x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, है ना, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, इंटीग्रल x e की पावर माइनस x स्क्वायर का करना है। तो कैसे करोगे, x स्क्वायर को t मानो, तो x dx बराबर dt by 2 हो गया, तो इंटीग्रल e की पावर माइनस टी हो गया, x dx dt by 2 हो गया, तो 1 by 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 by 2 e की पावर माइनस टी, t की वैल्यू वापस ट्रांसफर कर दो, तो माइनस 1 by 2 e की पावर माइनस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन देखो ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया,
माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ए से एक्स, ठीक है ना, ऐसे। अब फिर वही क्या, एक्स की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इसको मिटा दें। तो ये यहां पर देखो थोड़ा सा हमने x को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इससे कम है, इसको जी एक्स मान लिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसलिए ऐसा किया, है ना, ये बात ध्यान दो। देखो समझो अब क्या हुआ, ये देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस वन बाई टू बाहर ले लो, x की जगह पहले अपर लिमिट तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक। देखो x को रखोगे इंफिनिटी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, मैंने बताया इसकी वैल्यू जीरो होती है तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन बाई टू e की पावर ए स्क्वायर, मतलब फाइनाइट आ गया। देखो ये फाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ, बोलो बच्चों, ये फाइनाइट आ गया इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये जो जी एक्स वाला इंटीग्रल है ना, मतलब a टू इन्फिनिटी ये जो जी एक्स वाला इंटीग्रल है ये कैसा है, बोलो, कन्वर्जेंट है। और ये कन्वर्जेंट है तो ये एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन भी कैसा हो जाएगा, बोलो, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये कन्वर्जेंट हुआ है क्योंकि जी एक्स कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट हमने प्रूव कर दिया कंपैरिजन टेस्ट से, है ना, ये हमने क्या लगाया, कंपैरिजन टेस्ट, और ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट था तो दोनों कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, बात समझे ना। तो इसलिए ये वाला इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। आगे चल के बीटा गामा फंक्शन में इस इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाली जाती है, गामा बीटा फंक्शन में इस इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाली जाती है ना। तो ये इंटीग्रल बच्चों कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। लिखो बच्चों ध्यान से, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं दोनों प्यार तो फिर भी है ना। तुम लोग मैना जानते हो, मैना तुम लोगों ने मैना देखी है कभी, तोता तो बहुत देखा होगा। मैंने भी यार मैना बचपन में देखी थी, अभी तो यार मैंने भी मैना नहीं देखी शहरों में, गांव गाँव में भले ही मैना दिख जाए, तोता मैना की कहानी अब तो पुरानी हो गई। बड़े अच्छे अच्छे गाने बनते तोता मैना को लेकर के, अब तो खैर वो गाने भी नहीं रहे ना, वो पक्षी रहे बेचारे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन करना है, टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखो ध्यान दो, इसका कन्वर्जेंस चेक करना। देखो x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये तो फाइनाइट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। x को इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या आएगा, 0, मतलब इस पूरे इंटरवल में ये वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड का है और ये लिमिट इन्फिनिटी इसलिए फर्स्ट काइंड का है। और हाँ, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा तो किसी भी मेथड की जरूरत नहीं है। देखो क्या करेंगे इसको, ये सवाल बड़ा इजी है क्योंकि ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या है? तो स्टैंडर्ड फार्मूला है क्या, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है मालूम है आपको इसके इंटीग्रेशन का, ये होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा, किसका, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, लॉग मॉड एक्स प्लस दिस, है ना। अब एक्स को रखेंगे पहले एक्स, तो क्या होगा, एक्स की जगह पहले एक्स रखू तो क्या हुआ, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स की जगह टू रखेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस वन का मतलब रूट थ्री, है ना। अब देखो x को रखो इन्फिनिटी तो ये क्या होगा, बोलो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है अनडिफाइंड। तो ये लॉग ऑफ इन्फिनिटी
और इन्फिनिटी माइनस वन भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मतलब लॉग इन्फिनिटी, और खैर यहां तो ये तो यही रहेगा। अच्छा, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटी और माइनस दिस, तो फिर सब कुछ इन्फिनिटी। ओके, लॉग एक्स का जो बेटा ग्राफ होता है वो ऐसे करके देखो, ये होता है, एक्स को अगर तुम जीरो पर लाओगे तो ये फंक्शन जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर, और एक्स को इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये वैल्यू कहां जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पर, है ना। एक्स को जैसे जैसे जीरो की तरफ लाओगे तो ग्राफ कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर, मतलब एक्स को जीरो लोगे तो पूरे की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, और जैसे जैसे एक्स को इन्फाइनाइट ले जाओगे, एक्स को इन्फाइनाइट ले जाओगे तो पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट। तो इसलिए लॉग इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखो ये डाइवर्जेंट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ गई, इन्फाइनाइट आ गई, तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया बच्चों, डाइवर्जेंट हो गया, है ना। तो यहां पर किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने काफी सारे सवाल किए, मस्ती के साथ एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, अभी और भी कई टाइप के टेस्ट, कई टाइप के सवाल करते रहेंगे, टेंशन नहीं पाना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, मस्ती के साथ बेटा पढ़ते रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।